नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैरेट के जो नेल्स हैं वो काटने चाहिए या नहीं काटने चाहिए, किस उम्र में काटने चाहिए और इनके नेल्स काटना जरूरी है कि नहीं, सारी बातें इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये 5 महीने का जो रिंग नेक पैरेट का बच्चा है, ये लगभग 5 महीने का है और इसके नेल्स अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। तो जब ये हाथ पे बैठता है तो ये हाथ पे चुभ जाते हैं, इसके जो नेल्स के निशान हैं वो हाथों पे पड़ जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे में काफी लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं इनके नेल्स काट दें। तो दोस्तों, इनके नेल्स काटने के भी कई तरीके हैं। इनके नेल्स काटने से पहले हमको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनके नेल्स में जो इनके ब्लड का सेल है, ब्लड सेल्स कहाँ तक होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इनके जो नेल्स हैं वो आम लोगों के हिसाब से, जैसे आम पक्षी हैं या इंसान हैं, उनके जैसे नहीं होते दोस्तों। इनके जो नेल्स हैं उसमें भी ब्लड सेल्स होते हैं, वो भी काफी नीचे तक। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे अगर मैं आपको नेल्स दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जितना भी पोर्शन है इसके नेल का, ये सारा टोटली ब्लैक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके नेल्स अगर आप काटते हैं कभी भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसके जो नेल्स हैं यहाँ नीचे तक ब्लैक हैं। इसका मतलब इसके जो नेल्स हैं अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि आप इनको काट सकें, क्योंकि दोस्तों इसमें ब्लड सेल्स काफी नीचे तक हैं, बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पे जगह छोड़ी हुई है ब्लड सेल्स ने, क्योंकि इनके नेल्स अभी ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं। ऐसे में अगर आप इनके नेल्स काटते हैं तो 99% चांसेस है कि दोस्तों इनके जो नेल्स हैं उनमें से ब्लड आ जाएगा, क्योंकि ब्लड सेल्स जहां तक, जो पोर्शन इनके नेल्स का यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैक है, यहां तक इनके जो ब्लड सेल्स हैं वो हैं। क्योंकि जब इनके नेल्स इससे ज्यादा बड़े होते हैं एक्स्ट्रा, तो वहां से व्हाइट हो जाते हैं कुछ इस तरह, जैसे आप देख सकते हैं। तो इनके ब्लड सेल्स काफी नीचे तक होते हैं दोस्तों, इसलिए इनके नेल्स अगर आप काटेंगे तो हो सकता है 99% चांसेस है कि ब्लड आ जाए और इनको दर्द हो, क्योंकि काफी लोगों का ये भी मानना है कि इनको दर्द नहीं होता। तो दोस्तों, अगर इसके ब्लड सेल्स तक आप इनके नेल काट देंगे और ब्लड आएगा तो इनको काफी पेन होगा। तो इसलिए दोस्तों, मैंने अपने इस पैरेट के जो नेल्स हैं वो नहीं काटे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपके हाथ पे इनके नेल्स चुभते हैं तो इसके और भी ज्यादा कई तरीके हैं जिससे कि आप अपने पैरेट को किसी कपड़े पे बिठा सकते हैं, हाथ पे कोई ग्लव पहन के या कोई कपड़ा रख के वैसे बिठा सकते हैं आप अपने पैरेट को। कई सारे तरीके हैं दोस्तों जिससे कि आप बिना अपने पैरेट के नेल काटे इजीली उनको अपने हाथ पे बिठा सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं काफी लोगों को इनके नेल्स चुभते हैं तो वो चाहते हैं कि इनके जो नेल्स हैं वो काट दिए जाएं। तो दोस्तों, आपको वैसे मेरे हिसाब से पैरेट्स के नेल्स नहीं काटने चाहिए, क्योंकि इनके जो ब्लड सेल्स हैं वो काफी नीचे तक होते हैं, तो ऐसे में इनके ब्लड भी आ जाता है नेल्स में से। तो इसलिए दोस्तों, आपको इनके नेल्स नहीं काटने चाहिए, और अगर आपको काटने ही हैं तो आप इसके नेल्स काटे ना, बल्कि नेल फाइलर से इनके नेल्स नीचे नीचे का पोर्शन जो है, जो चुभता है आपके हाथों में, वो आप रगड़ सकते हैं। रगड़ के दोस्तों इनका जो तिक्खापन है वो खत्म कर सकते हैं, नीचे नीचे की ओर से आप इनके नेल्स जो हैं वो रगड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको नेल्स भी नहीं चुभेंगे और इनको जो है पेन भी नहीं होगा, इनके नेल्स नहीं कटेंगे। क्योंकि अगर मैं इसको अभी उल्टा करके आपको दिखाऊं कि इनके कहाँ तक ब्लड सेल्स होते हैं, तो अभी आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक बार मैं कैमरा बंद करके इसको उल्टा पकड़ के फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने पैरेट को उल्टा पकड़ लिया और इसके पंजे पे मैं फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप इनके नेल्स देख पा रहे हैं, ये पंजा खोल रहा है, नेल्स देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे से इनका जो मांस है, नीचे से ब्लड सेल्स जो हैं ये काफी नीचे तक, इसकी नोक तक है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लड सेल्स हैं ये इनके नोक तक है, जो नेल्स का नोक है वहां तक इनके जो ब्लड सेल्स हैं प्रॉपर पूरी तरह वहां पे उन्होंने कवर किया हुआ है। ऐसे में आप इनकी नोक भी अगर काटते हैं तो वहां से ब्लड जरूर आएगा। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे देख लिया है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, मैंने जूम कर दिया है पूरा इसके पंजे पे, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। तो ऐसे में
अगर आप इनके नेल्स काटते हैं तो 99% चांसेस है कि इनका जो है दोस्तों ब्लड आ ही जाएगा नेल्स में से। तो इसलिए दोस्तों अगर आप इनके नेल्स ना काटे तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे में दोस्तों आप इनको किसी और तरीके से कर सकते हैं, जैसे नेल्स को नेल फाइलर से रगड़ सकते हैं, और उसके अलावा दोस्तों अगर आपको नहीं काटने हैं तो आप कपड़ा भी अपने हाथ पे रख के इनको बिठा सकते हैं या आप ग्लव पहन सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं बिना इनके नेल्स को काटे हुए आपको अपने हाथ पे अगर बिठाने हैं तो बहुत सारे तरीके हैं। तो दोस्तों काफी लोगों को नॉलेज नहीं है तो वो नेल्स वगैरह काट देते हैं तो क्या होता है इनकी ब्लडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो कई बार पैरट्स को इन्फेक्शन भी हो जाती है। तो इसीलिए कहता हूं दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कभी भी ऐसी सिचुएशन आए या आपको कुछ भी करना है, पंख काटने नेल्स काटने हैं, उससे पहले सही उसकी इन्फॉर्मेशन मिलनी या उसके लिए सही नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी वीडियोस आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे दोस्तों, और आपसे कभी भी गलती से कुछ ऐसा ना हो जिससे आपके पैरेट को कोई नुकसान पहुंचे। तो